यमुनानगर के हमीदा हेट पर कुछ किन्नरों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर ही कुछ किन्नरों को हिरासत में भी ले लिया। हत्या के मामले में कुछ लोग तो एक किन्नर द्वारा मृतक से शादी करने का दबाव बनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये मानना है कि मृतक एक किन्नर के साथ रिलेशनशिप में रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी किन्नरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कुछ किन्नर हमारे गांव के अंदर आए हुए थे, कल हम भी गांव में ही थे, तो जब गांव में देखा जाके भी वो किन्नर खड़े हैं, तो कुछ वहां बाहर मंदिर शिव मंदिर के पास वो लेडीज़ वगैरह सैर सूर कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि किन्नर खड़े हैं। तो उन्होंने जाके पूछा भी कैसे खड़े हो, कहने लगे हम तो उसको मिलने के लिए आए रवि को। तो भाई रवि को मिलने के लिए आए, उसके वहाँ घर पर जाके पूछ लो, बोले इतनी देर में वो वापिस अपना ऑटो लेके आ गए। थोड़ी देर बाद उसके भाई का फ़ोन आया कि ऐसे करके कि मेरे भाई को किसी ने नहर में धक्का दे दिया। तो नहर पे जब यहाँ आए तो यहाँ कोई इतना मिला नहीं है, तो जब जाके पुलिस चौकी में दम जाके पता किया तो वहाँ वो किन्नर पकड़े हुए थे। तो किन्नर पकड़ने के बाद उन किन्नरों ने कहा कि हमने उसको नहर में धक्का दिया। तो गांव में तो किसी को भी नहीं पता इस बात का, ना किसी को इस बात का इस चीज़ का पता अभी दबाव है क्या, दबाव दे रहे थे क्या, तो गुमराह कर रहे हैं उसको किसी बात को लेके। कल एक लड़का है रवि, खंडवा गांव से है धीमान, इसको एक किन्नर का रिलेशन किन्नर के ऊपर लगा है। उसका वो फ्रेंड था, किन्नर रिलेशन में रह रहे थे 3-4 साल से जी। वो यहाँ बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा होते हुए किन्नर ने उसको नहर में धक्का दे दिया है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ही प्राप्त हुई थी। इसके ऊपर हमने मर्डर का केस दर्ज कर दिया 302 का जी। और अभी रवि जो लड़का है उसकी डेड बॉडी अभी नहीं प्राप्त हुई है, और उसको सर्च किया जा रहा है। करनाल इंद्री तक भी टीम में लगी हुई है, गोताखोर बुला लिए हैं, अमर सिंह डीसी ऑफिस से आए खड़े हैं जी आपके सामने, और हमारे राजीव गोताखोर हैं सारे, इनकी इमदाद लेकर के NDRF की टीम में लगी हुई है जी। जब तक डेड बॉडी आज उम्मीद है शाम तक डेड बॉडी मिल जाएगी जी। अकी बात है तो नहीं नहीं तो बहुत बड़ी बात अभी सामने नहीं आई, वो तो 3-4 साल से इकट्ठे ही रह रहे थे, उनकी किसी बात पर अनबन हो गई थी कल। कल उन्होंने दोनों ने जो बात सामने आई, कल दोनों ने ड्रिंक भी की थी और उसके बाद किसी बात के लेकर उनकी बहस हो गई थी जी। उसके ऊपर बहस के बाद वो उसके पास से नाराज होकर चले गए थे इस बात पर। उनकी बात यहाँ एक दूसरे से फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया था हेड पे, यहाँ भी कुछ देर बातचीत हुई, बातचीत करते करते उनकी आपस में धक्का मुक्की हुई है। उसके बाद उसको धक्का देकर नहर में गिरने का, सॉरी बात करने का चक्कर तो नहीं था कि शादी वादी का जान? नहीं 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 नहीं, वो तो 4 साल से इकट्ठे रहे थे, रिलेशन में थे जी। हाँ जी जी, वो तो परिवार वालों के साथ उनके साथ वहाँ भी रहते थे जी, उसका शादी वाड़ी कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई मालूम नहीं, मगर अब तो चले अभी गिर दिया हमने। किसने गिरा? जड़े पिछड़े से थे पर वहीं जड़े कौन होगा, उन्होंने गिरे वहाँ आप 5 जने ले वो पता भी हमें क्या था, घर से आ जा रहा काम पर, अब मैं क्या मानूंगी काम पर जा रहा, कहाँ जा रहा, कौन ले जा रहा, क्या कर रहे हैं। तो रात पता लग गया हमारे टोंकी में फ़ोन गया अभी तेरे तेरे घर का बात है। क्या नाम था आपके लड़के का? रवि कुमार था जी। उम्र कितनी? 27-28 साल थे जी इसकी। हमें तो रात पता लगा अभी आई बात आया। क्या पता लगा था अभी, क्या हुआ? हाँ अभी इन्हें मारा, ये तो जड़े फिरा गुजरे। कहाँ के थे? हमें ये भी मालूम नहीं है जी। कितने कितने जाने थे, कितने लोग? तो 4-5 जने बतावा जी। कहाँ पे कैसे मारा, कैसे धक्का धुक्का बतावा जी उससे। कहाँ पे? नहीं नहर में दिया। ऑटो में जो लड़का ऑटो में था ना, जिस लड़के को नाम ले रहा, वो लड़का अपना घर बुलाने गया, तो वहाँ एक लड़का पहली साइड बैठा था, उससे जाकर उसने पूछा कि जन्म देख रहा तू वो रवि कहाँ है, वो कहने लगा मैं वहाँ में घूमने घर गया था यार। वो 5-1 बजे घर आया, 5:30 बजे वो वापिस ही गया, 6:15 बजे आपसे था, तो इतना कि खेल करते प्रति पता है, इस चीज़ का नहीं पता है जी, मार्केट कोई नहीं हुई, क्या होया, कैसे हुआ मार्केट बातचीत करते हैं, जैसे वीर मौके पर बता रहे हैं बातचीत करते करते ही उनकी आपस में दोनों बातचीत करते हैं, तब जाकर पता चलता है।